हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुब। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कल है 21 मार्च 2021, पबजी मॉल ऑफिशियल थर्ड एनिवर्सरी। अब जब थर्ड एनिवर्सरी आने वाला तो लिटरली बहुत सारे इवेंट्स आएगा, न्यूज़ आएगा, तो इसलिए मैं ये किया हूँ कि आज का जो दो वीडियो आने वाला है इसको एक सीरीज़ बनाया हूँ, जिसमें पार्ट वन वाला वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा, पार्ट टू वाला वीडियो होपफुली आपको शाम को देखने को मिलेगा, जिसमें ओवरऑल कल क्या क्या चीज़ होने वाला है उसका मैं रोड मैप आपको बना के दूंगा। और अगर आप ये दोनों वीडियो सही से देखते हैं तो आपको सब कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो होपफुली दोनों वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, बट कल आपको पता है बहुत सारा चीज आने वाला है पबजी मॉल के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है कि YouTube उतना नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो आप ये कर सकते हैं कि टेलीग्राम या तो डिस्कॉर्ड में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म या दोनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो उसमें ये होगा कि आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, आपको सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत सारा चीज़ होने वाला है। और उसके साथ साथ आप लोग का जो डिमांड है पबजी मॉल इंडिया से रिलेटेड कुछ अपडेट देने के लिए, वो यही वीडियो मैं कवर करूंगा पार्ट वन वाला वीडियो में। पार्ट टू में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं जैसे टाइटल से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इवेंट चार्ट दिखाने वाला पबजी मॉल कल ऑर्गेनाइज किया है। तो आपको पता है ये ऑनलाइन डीजे प्रोग्राम होने वाला है पबजी मॉल का थर्ड एनिवर्सरी, और ड्रॉप द बीट इसका स्लोगन है ये बोल सकते हैं थर्ड एनिवर्सरी का। तो अभी आप देख पाए पबजी मॉल का जो शेड्यूल प्लानिंग है कल का वो आप देख पाए आपके स्क्रीन में। इधर आप देख पाए इसमें लिखा हुआ व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन मार्च 21। गेम के अंदर कुछ चीज़ होने वाला है 11 लाइव इन गेम, मतलब 4:30 PM को आई गेस इंडियन टाइम, यस 4:30 PM को आपको गेम के अंदर शायद से कुछ डीजे वीजे देखने को मिल सकता है प्रोग्राम। उसके साथ साथ यूट्यूब में आपको जो पबजी मॉल का ऑफिशियल चैनल है उसमें, और उसके साथ साथ UTC 13, मतलब आप बोल सकते हैं इंडियन टाइम 6:30 PM के आसपास यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम होगा, तो जिसमें Top 3 डीजे ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है और डीजे परफॉर्म करने वाला है। आपने देखा ही होगा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पबजी मॉल पिछले 1 वीक से कर ही रहा होगा, तो सबसे पहले वही बताया जा रहा है कि Top Class 3 डीजे आने वाला है, उसका परफॉर्मेंस होने वाला है। सेकेंड में आप देख पा रहे लेटेस्ट वर्जन अपडेट न्यूज़। तो एक्चुअली पबजी मॉल ये कहता है जब भी कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम होता है या बोल सकते ई स्पोर्ट इवेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट्स देता है जो अपकमिंग वर्जन है पबजी मॉल का। तो मुझे जितना लगता है लेटेस्ट वर्जन अपडेट में आपको काराकिन मैप के बारे में बताया जाएगा जो कि अप्रैल में लॉन्च होने वाली। इसी चलते काराकिन का हिंट्स भी नहीं दिया गया था पैच नोट में, केवल एक लाइन लिखा हुआ था। तो काराकिन के बारे में बात किया जाएगा, उसके साथ साथ मुझे लगता है वीकेंडी का बारे में बात किया जाएगा कि वीकेंडी को रीमास्टर करके वापस से लाने का बात किया जाएगा, और इवन ई स्पोर्ट का जो रोड मैप है उसको बताया जाएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको पबजी मॉल इंडिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ग्लोबल लेवल में बोल सकते ब्रॉडकास्ट होने वाला, तो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा पबजी मॉल इंडिया से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वीडियो को आखिर तक देखिए। तो उसका थर्ड इवेंट आप देख पाए इसमें लिखा हुआ डीजे शो मैच विद इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड वाइड। सो गाइस आपको पता है जो इन्फ्लुएंसर होता है उन लोग को पबजी मॉल खेलने के लिए बोला जाता है, और टीडीएम उडीएम होता है, तो ये सब चीज़ तो पता है वो सब चीज़ होने वाला है। तो यही टोटल प्रोग्राम है पबजी मॉल का कल के लिए जो हो सकते हैं लाइव स्ट्रीम में होने वाला। उसके साथ साथ आपको एक आउटफिट और मास्क दिखाई देता है, इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। होपफुली जो गेम के अंदर कुछ होने वाला लाइव इन गेम तो वो शायद आप देखेंगे तो आपको ये सब जो आउटफिट है आपको मिल सकता है और मास्क भी मिल सकता है, बट टेम्पोरेरी परमानेंट दोनों ही लिखा हुआ नहीं है। तो अभी के लिए तो आप इसको टेम्पोरेरी सोच सकते हैं, बट अगर ये परमानेंटली आता है तो कल मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर अभी हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक में, पबजी मॉल रिसेंटली अभी कोलैब किया गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के साथ, और इसके चलते आपको इरेंगल एंड सानोक ने बहुत सारा एविडेंस दिखाई दिया होगा हिंट्स। तो अगर आप इरेंगल में जाते हैं तो बहुत सारा आपको फुटस्टेप दिखाई देता है गॉडजिला का साइड से, और उसके साथ साथ उसका पंजा का निशान आपको दिखाई देगा बहुत सारा बिल्डिंग में। तो डिस्कॉर्ड में बहुत बंदे शेयर किया ये इमेज, तो थैंक्स टू एवरीवन जो जो इमेज सब शेयर किए, और आप खुद भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंसन में दिखाई देगा, उसके साथ साथ मिलिट्री बेस जॉर्जियो में और भी बहुत जगह है, तो आप डेफिनेटली वो सब जगह के स्क्रीनशॉट लेके डिस्कॉर्ड में आके पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सैनॉक में भी जाएंगे तो सैनॉक में तो आपको बोन्स दिखाई देगा, हड्डी उड्डी, और स्टार्टिंग में आपको चेन जैसा बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा। तो लिटरली बहुत मज़ा आने वाला, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। आपको पता है इससे पहले भी जब पबजी मॉल कोलैब किया था गॉडजिला के साथ तो आपको एक क्रेट देखने को मिला था, तो इस बार तो कुछ क्रेट वेट का लीक्स नहीं आया, बट हो सके तो पुराना वाला क्रेट्स वापस से आ सकता है। तो ये वीडियो क्लब जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रेट का, तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके उसको सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रेट में भी आ सकता है, तो मैं आपको दिखा दिया ये गॉडजिला से रिलेटेड, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद तीसरा टॉपिक में आते हैं, बहुत लोग कल कमेंट कर रहे थे कि पबजी मॉल का थर्ड एनिवर्सरी केक अभी तक क्यों नहीं स्पॉन हुआ। तो इस बार पबजी मॉल थोड़ा सा डिले किया, केक स्पॉनिंग वाला जो चीज़ है वो शायद से कल से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है एक इवेंट भी आपको ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें केक दिखाई दे रहा जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। और टॉप लोकेशन वाला वीडियो कल आपको दिखाई देगा, अगर आप
पास्ट वाला एनिवर्सरी का टॉप लोकेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोकेशन में सेकेंड एनिवर्सरी में आया था, फर्स्ट एनिवर्सरी में आया था, थर्ड एनिवर्सरी में भी ये लोकेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी अपडेट मैं आपको दूंगा ये केक से रिलेटेड वो सेकेंड वाला वीडियो में, आज का जो सेकेंड पार्ट वाला जो वीडियो है उसको डेफिनेटली चेक कीजिएगा। मैं आपको इसमें इससे रिलेटेड कुछ टाइटल्स भी है वो भी मैं बात करूंगा। और अभी आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड अपडेट कुछ दो, क्योंकि फाइनली मार्च भी खत्म होने के लिए आ ही चुका है और मैं आपको बताया था कि मार्च तक या अप्रैल का फर्स्ट वीक तक आप वेट कर सकते हैं और जब तब तक आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जी हाँ, अभी टाइम आ चुका है कि PUBG मोबाइल का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप इवन नोटिस भी किए होंगे प्रीवियस वन वीक के अंदर बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर जो PUBG मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो आपको हिंट्स देना भी स्टार्ट कर दिए और टोटल क्लियर हिंट्स तो दे नहीं रहे क्योंकि पिछले बार भी आपको पता है यही चीज़ हुआ था दिवाली के आसपास। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, दिवाली का टाइम PUBG मोबाइल फुल्ली प्रिपेयर नहीं था, बट इस बार जो आने वाला है इसमें बहुत सारा चीज़ को देखा गया है, बहुत सारा चीज़ को ठीक किया गया, क्योंकि आपको पता है दीपावली से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 4 महीना हो चुका है और PUBG कॉरपोरेशन चुपचाप तो बैठा नहीं है, तो गवर्नमेंट का जितना भी रूल्स है उसको फॉलो किया, इवन इन्वेस्टमेंट भी किया जो कि ऑफिशियली आपके सामने रिवील भी हो गया नॉर्डविन गेमिंग के साथ। और अभी केवल PUBG मोबाइल खुद या बोल सकते क्राफ्टन खुद गेम को लाने के पीछे भी नहीं होगा, डेफिनेटली जो नॉर्डविन है उसके साथ साथ कितना भी अंदर का सोर्स है वो लोग भी ट्राई करेंगे कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया है और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बिन मतलब का इन्वेस्टमेंट करे अगर उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो। और इवन ये पार्ट को एंड करने का पहले एक चीज़ बता देता हूं कि आज का दिन काफ़ी क्रूशियल है, आज का दिन अगर सही सही सब कुछ चल गया तो डेफिनेटली आपको विद इन 3 to 4 days कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, या तो ट्रेलर मिल जाएगा या तो गेम मिल जाएगा। अभी उतना टाइम नहीं बचा है, आपको पता ही है क्योंकि मार्च खत्म हो जाएगा तो अप्रैल हो जाएगा तो फिर नया वर्जन कुछ दिन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वो चाहता है कि काराकिन लॉन्च होने का पहले गेम आ जाए इंडिया में और काराकिन मैप होपफुली आपको इंडिया में ऐसे प्ले स्टोर के जरिए खेलने को मिल जाए। ठीक है, तो फिंगर क्रॉस करके रखिए, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो पहला पार्ट को इधर ही एंड करते हैं, सेकंड पार्ट में और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला एनिवर्सरी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू so much, have a nice day, take care, bye bye.